बापू जी चलिए नाश्ता तैयार है। आओ जाओ। अरे बेटा महर कहाँ है? वो महर फुकी को उसके घर छोड़ने गई है, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है ना, इसलिए। बच्चों क्या टाइम पे आए हो, नाश्ते के टाइम पे। सीता सबके लिए नाश्ता लगाओ, पहले आप आइए। भाई साहब आप कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हैं शक्ल से। हाँ अंकल भूख तो मुझे बहुत लगी है, पर मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं मोंटू मोंटू। आइयो, और हम मोंटू नहीं, हम भाई साहब। बच्चों आज पहली अप्रैल नहीं है, इसलिए हमें अप्रैल फुल मत बनाओ। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं दादाजी, ये दोनों सही कह रहे हैं। हाँ? ये मोंटू है और ये हमारे स्कूल के इंस्पेक्शन ऑफिसर सुरेश अय्यर है। एक्चुअली दादाजी ये दोनों आपस में अदल बदल गए हैं। क्या आत्मा अदल बदल हो गई है? तो हमें बालवीर को बुलाना होगा। बालवीर ही ये प्रॉब्लम ठीक करेगा, और बालवीर के लिए ये प्रॉब्लम तो एकदम सो पिंपल ना। दादी वो पिंपल वो सिंपल। आइया जैसा हमारा हिंदी वैसा दादी का ये इंग्लिश। आपसे मिलके बहुत ना खुशी। ना खुशी नहीं, खुशी हुई। और हमने बालवीर को बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं आया। और इसलिए हमने सोचा कि जब तक बालवीर आके इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दे, तब तक ये हमारे साथ ही रहे। तो आइयो मानव एकदम करेक्ट बोलता, हम ऐसा घर पर जाएगा तो हमको हमारा वाइफ पहचानेगा नहीं। और मेरे पापा भी मेरे को और मोटा देखेंगे तो बहुत वाट लगाएगी मेरी। बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग यहीं पे रहोगे, इसे अपना ही घर समझो। और फाफड़ा जलेबी तैयार है, फाफड़ा जलेबी खाओ और हरि के गुनगाओ। थैंक यू दादाजी। सॉरी दादाजी, क्या इतने बड़े शरीर की कभी आदत नहीं, तो थोड़ा जजमेंट में प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी गिरते पड़ते रहता हूँ। तुम नाश्ता कर लो। है नाश्ता? हाँ आज मैं डबल शरीर के साथ डबल नाश्ता करूंगा। हाँ हाँ चलो, जलेबी और फाफड़ा तैयार है। जलेबी फाफड़ा। बेटा अब अभी दादाजी ने कहा ना कि अपना ही घर समझो, तो अपना ही घर समझ के रहो ना। ऐसी भारी काया के साथ कुदा कुद करोगे तो ये मेरा नाजुक घर बैठ नहीं जाएगा। सॉरी सॉरी दादी। चलो आइए दादाजी। हाँ आइयो। अरे कोई कुछ करो। अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा। संभालो। मैं डबल डेकर बस के नीचे दब गया हूँ, मुझे बचाओ। इस सूरज के डूबने के साथ साथ ही नटखट परी को बचाने की उम्मीद भी डूब जाएगी। नहीं मामा, बालवीर के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा बालवीर हमारी उम्मीदों के सूरज को कभी डूबने नहीं देगा, कभी नहीं। बालवीर, बालवीर जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए।
दादों को उठाओ वरना ये चीटी की चटनी बन जाएगी। मोटा भाई सॉरी दादाजी, कोशिश करता हूँ उठने की। उठा ले भगवान उठा ले। नहीं नहीं बाबूजी ऐसा मत कहिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है बाबूजी, ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे मुझे नहीं, इन दोनों को उठाने। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, बाबूजी मैं हूँ ना मैं। ओके वही नहीं जो रोकी मैदान में आओ। चलो क्या मोटा भाई आप जी मैदान में क्यों जाएंगे, मैदान में इस समय दोपहर में कोई मिलेगा नहीं ना। रॉकी सॉरी। अरे मैदान है मतलब यहाँ, ये मैदान है जंग में, यहाँ आइए ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आइए बाबूजी यहाँ करिए। महेश ये सब प्रयोग करना बंद कर वरना ये प्रयोगशाला ही बंद पड़ जाएगी। जी ऐसा मत बोलिए आप, चुप चुप बोले बापूजी। मेरे दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया है। महेश तेरे दिमाग में जबरदस्त नहीं जबरदस्ती के आइडिया आते, ढंग का सोचना। बापूजी मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया है। अरे दुबड़ुबा के ये देखो पृथ्वीलोक पर है कर रहे बच्चे कितने अच्छे काम है। देखो है ये वर्तिका माथुर जयपुर से है बचा इसने घायल पक्षी को। वाकई दुबड़ुबा तीन पृथ्वीलोक पर है कितने बहादुर और समझदार बच्चे। हाँ डुबा डुबा तीन हो जाएगी नटखट परी जैसे ही ठीक, दिखाएंगे हम सभी चिट्ठिया परियों को, जिसे देखकर हो जाएगी सब परिया खुश है। ठीक देखिए बाबूजी, बाबूजी देखिए मैं क्या लाया हूँ, बाबूजी देखिए मैं क्या लाया हूँ बाबूजी। ये मेरा जबरदस्त आइडिया, हक गाड़ी। हक गाड़ी का क्या करेगा? इस गाड़ी का गोल वाला सिरा जो है ना, हाँ वो हम लोग सुरेश के शरीर के नीचे ऐसा डालेंगे और फिर यहाँ से मैं जोर करके से ऊपर कर दूंगा, लिफ्ट कर दूंगा। हेलो हेलो मिसेस अय्यर, हेलो अयो हेलो। बाबूजी आप ठीक तो है ना? अयो अयो फोन मिस हो गया, अब हमारा बीबी हमको बगा बगा के मारेगा। अंकल खुद पैसे अच्छे है, इससे आपका वेट कम हो जाएगा। बेटा तुम्हारी बीबी तुम्हें मार लेना, उसके बाद मेरे तरफ से उसका शुक्रिया करना, क्योंकि अगर उसका फोन नहीं आता तो मुझे यमराज का फोन आ जाता। परियो परियो वो क्या है? अरे बालवीर तो जीवनी बूटी वाला सुनहरा पर्वत ही उठा कर ला रहा है। परियो आप जल्द से जल्द नटखट परी को परी बाग में लेकर आइए, उन्हें जीवनी बूटी देने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जल्दी कीजिए परियो जल्दी कीजिए। सॉरी दादाजी।
मुझे जीवनी बूटी मिली लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही मैंने सुनहरे पर्वत पर कदम रखा वहां के सारे पेड़ पौधे नीले रंग के हो गए। अब मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं उन सारे पौधों में से जीवनी बूटी को ढूंढ सकूं और इसलिए मैं पूरे पर्वत को ही यहाँ उठा कर लेकर आया। महामाई, हम इतने सारे पेड़ पौधों में से जीवनी बूटी को कहाँ ढूंढेंगे? रानी परी, उस सुनहरे पर्वत को ध्यान से देखिए। इस पर्वत के सारे पेड़ पौधे सूख गए, केवल जीवनी बूटी नहीं सूखी। जैसे ही सुनहरा पर्वत सच्चाई और अच्छाई के संपर्क में आया उसके सारे मिशेले पेड़ पौधे सूख गए। हाँ महामारी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी, परियो, ये देखिए वो क्या रहा है नटखट परी को। बेचारे दादाजी, हमने कितना परेशान किया ना इन्हें। सॉरी दादाजी। आइयो। ये सूर्य? हाँ, ये बेचारा तो सो रहा। हम भी बहुत थक गया। हम भी जाके सोता। तुम भी सो जाओ। Oh,
बोलो, इन दोनों को चादर देने के लिए मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और ये दोनों यहाँ आके सो गए। ये बापूजी का कमरा है, बापूजी भी यहीं आए थे सोने के लिए। बापूजी कहाँ? तो बापूजी की आवाज है, बापूजी आवाज सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो आवाज तो इन दोनों के बीच में से आ रही। बापूजी, 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 बाबूजी, बाबूजी बड़ी मुश्किल से इन दोनों के बीच में से आपको मैं निकाल पाया हूँ। तूने निकाल लिया, वरना मेरी हालत तो दो ट्रक के बीच में साइकिल फंसी होना ऐसी हो गई थी। धीरे से हंस, दोनों को डिस्टर्ब हो गए। अरे लेकिन नटखट परी के शरीर से विष नहीं निकल पाया, हमने देर कर दी। जीवनी बूटी पिलाने से पहले सारा जहर उनके शरीर में फैल चुका था। अब नटखट परी हमारे बीच नटखट पर नहीं रही।